जब समंदर में आया सैलाब, धरती पर दिखा कयामत का मंजर। समुद्र के किनारे वाले इलाकों में तबाही ही तबाही। ताऊते चक्रवात के चक्कर में समंदर की लहरें आसमान को चूमने के लिए आमादा हुई तो धरती पर जगह जगह जैसे जल प्रलय हो गया। ताऊते चक्रवात से उफनी समुद्री लहरों को जब तेज अंधड़ का साथ मिला तो तबाही मच गई। तूफानी लहरों के सामने आए दरख्त अपनी जड़ों से उखड़ गए, जाने कितने मकान जमींदोज हो गए, बिजली के खंभे उखड़ गए। 23 फीट तक ऊंची उठी समंदर की लहरों की आब में सूरज भी मध्यम पड़ गया, दिन में अंधेरा छा गया। ताऊते चक्रवात से मची तबाही का मंजर देखने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद गुजरात पहुंचे, जहां इस चक्रवात ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई थी। मोदी भावनगर के हवाई अड्डे पर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने उनकी अगवानी की। वहीं से मोदी और रूपाणी तूफान से मची तबाही का हवाई सर्वेक्षण करने के लिए निकल पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने वायुसेना के हेलीकॉप्टर से गुजरात के उन जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया जहां ताऊते ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। मोदी ने तूफान से सबसे ज्यादा प्रभावित अमरेली, गिर सोमनाथ और भावनगर जिले का हवाई सर्वेक्षण किया। पीएम मोदी ने ऊना, जाफराबाद, महुआ और दीव का खास तौर पर सर्वेक्षण किया। चक्रवात ताऊते की वजह से अब तक गुजरात में 13 लोगों की मौत हुई है, जिसका सबसे ज्यादा असर जो है वो महुआ, ऊना, दीव और जाफराबाद में देखने मिला है। आप देख सकते हैं कि ताऊते का असर ना सिर्फ जहां पे उसने लैंडफॉल किया वहां पे देखने मिला, बल्कि जो मध्य गुजरात है, मध्य गुजरात के भी इलाकों में जो लिमडी का इलाका है वहां पे भी उसका जो असर है वो देखने मिला। सामान उड़ गए हैं। अगर पेड़ की बात की जाए तो करीब 50,000 से ज्यादा पेड़ गिर गए हैं। हेलीकॉप्टर से मोदी गुजरात में तबाही का मंजर देख रहे थे। ऊपर से साफ दिखाई दे रहा था कि ताऊते तूफान ने गुजरात के समुद्र तटीय इलाकों में कैसी तबाही मचाई है। गांव के गांव जलमग्न दिखाई दे रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी खुद तबाही का जायजा ले रहे थे। बीच बीच में विमान में बैठे अधिकारी और खुद मुख्यमंत्री विजय रूपाणी उन्हें कुछ बता भी रहे थे। ताऊते तूफान ने गुजरात में जबरदस्त तबाही मचाई है। गुजरात में ताऊते की वजह से 13 लोगों की जान जाने की खबर है। चक्रवाती तूफान की वजह से 200 से ज्यादा तालुकाओं में तेज बारिश हुई। ताऊते की वजह से 16,000 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। 40,000 से ज्यादा पेड़ और 70,000 से ज्यादा बिजली के खंभे उखड़ गए। करीब 6,000 गांवों में बिजली चली गई। तूफान प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के उन इलाकों का हवाई ब्यौरा किया जहां चक्रवात ताऊते ने अपना कहर बरपाया है, जिसके बाद उन्होंने अहमदाबाद में गुजरात के मुख्यमंत्री और आला अधिकारियों के साथ रिव्यू मीटिंग भी की, जिसमें हेल्थ विभाग के अधिकारी भी शामिल हुए। कोविड की मार झेल रहे गुजरात में अब चक्रवात की मार से किस तरीके से उभरा जाए उसको लेकर रणनीति भी बनाई गई। गुजरात में प्रधानमंत्री का तूफान पीड़ित इलाकों में हवाई सर्वेक्षण भी सियासत से अछूता नहीं रहा। महाराष्ट्र की सत्ता में शामिल एनसीपी ने सवाल उठा दिए कि मोदी गुजरात में तो गए लेकिन महाराष्ट्र में क्यों नहीं आए, जबकि तबाही तो दोनों राज्यों में हुई है। आज प्रधानमंत्री जी दीव दमन और गुजरात के एरियल सर्वे पे है नुकसान का अंदाज लेने के लिए। जब दीव दमन जा रहे हैं, सवाल ये उठता है कि महाराष्ट्र का एरियल सर्वे क्यों नहीं किया गया, क्या ये भेदभाव है? ये सवाल खड़े हो रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री दीव दमन गुजरात जा रहे थे तो गोवा से शुरू करते। ताऊते चक्रवात की तबाही देखने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा, चक्रवात ताऊते के मद्देनजर स्थिति का आकलन करने के लिए गुजरात और दीव के कुछ हिस्सों का हवाई सर्वेक्षण किया। केंद्र सरकार चक्रवात से प्रभावित सभी राज्यों के साथ मिलकर काम कर रही है। ताऊते चक्रवात ने सोमवार की रात से जो तबाही मचाई है उसके साइड इफेक्ट्स अब भी जारी हैं। हवाओं की रफ्तार थोड़ी मध्यम पड़ी है, लेकिन तबाही इतने बड़े पैमाने पर हुई है जिसकी भरपाई आसान नहीं होगी। गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।